खबर पंजाब देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के विस्तार से। बीजेपी पूरे देश में पार्टी का सदस्यता अभियान चला रही है। पटियाला में भी इस अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के महासचिव अनिल सईन मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ महिला मोर्चा पंजाब की अध्यक्ष इंदर कौर भी मौजूद रही और पत्रकारों से बात करते हुए अनिल सईन ने कहा कि यह अभियान हर 6 साल में चलाया जाता है, जिसकी शुरुआती सदस्यता सबसे पहले पीएम मोदी ने ली थी और अब ये अभियान हर राज्य के हर शहर हर गांव में चलाया जा रहा है। जैसे सारे जानते हो कि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप मुहिम चल रही है। साड़ी हर 6 साल बाद मुढ़ली मेंबरशिप द्वारा होती है। उस सिलसिले में परसों 2 तरीक को जेपी नड्डा जी ने प्रधानमंत्री ने सब तो पहला मैंबर बनाया सीगा। उसके बाद कल साड़ी प्रदेश स्तर के उत्ते ऐसा इकट्ठ होया सीगा, जिथे प्रदेश के सारे प्रमुख मैंबर पार्टी नाल मैंबर बने सन, पार्टी नाल जुड़े सन। मोड़वा इसे सिलसिले के अज साडे संगठन के मुताबिक 35 जिले ने 35 जगह के उत्ते अज ऐसे टाइम के उत्ते प्रोग्राम हो रहे हैं, जिवें असीं पटियाले कीता हैगा। और अब खबर जालंधर से है, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्वेत मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर जानकारी साझा की। इसी के साथ ही उन्होंने सुखपाल सिंह खेरा का कंगना रनौत और एनएसए के खिलाफ बयान को लेकर भी बात की। तो जालंधर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत को लेकर के कई मुद्दों पर बातचीत करते हुए जो है सुखपाल खेरा नजर आए और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की कंगना रनौत के मुद्दे पर। कंगना रनौत ने जो एनएसए को लेकर बयान जारी किया है, उसको लेकर उन्होंने बातचीत की। और अब खबर खन्ना से है, जहां कांग्रेस नेता राजदीप सिंह के घर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम द्वारा छापेमारी की जा रही है। ये छापेमारी टेंडर घोटाले से जुड़ी हुई बताई जा रही है, साथ ही ये मामला आय से अधिक संपत्ति का भी बताया जा रहा है। वहीं नेता का नाम नकली शराब फैक्ट्री में भी जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि आय से अधिक आय की जांच भी ईडी पर कर रही है। साथ ही ये भी आपको बता दें कि राजदीप सिंह नेता गुरकीरत कोठली के बेहद करीबी है और बताया जा रहा है कि श्रमिक परिवहन टेंडर घोटाले में आरोपी वाहनों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर अनाज मंडियों में माल पहुंचाते थे। इसी के साथ ही आरोपियों ने टेंडर लेने से पहले विभाग में गलत वाहन नंबर भी लिखवाए थे। जांच में पता चला कि जो नंबर लिखे गए थे वो स्कूटर बाइक आदि दोपहिया वाहनों के थे और इन नंबरों वाले वाहन माल के जाने के लिए पात्र नहीं है। तो खन्ना से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर घोटालों से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया है और ईडी की टीम इस पूरे मामले में छापेमारी भी कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि छापेमारी इस मामले को लेकर लगातार जारी है। घोटाले से जुड़ा हुआ यह मामला है, जिसको लेकर छापेमारी ईडी जो है वो कांग्रेस नेता के घर पर कर रही है।
और अमृतसर के सुल्तानगंज गांव में एक दुकान की बिक्री के बाद से दुकान के पिछले मालिक के परिवार के सदस्यों ने दुकान पर कब्जा कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जसपाल सिंह नाम के व्यक्ति ने बताया कि उसने ये दुकान 2013 में 20,000 रूपये में जसवंत सिंह नाम के व्यक्ति से खरीदी थी और अब 4-5 महीने पहले ही जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। अब जसवंत सिंह के परिवार वाले दोबारा दुकान पर कब्जा कर रहे हैं और हमें दुकान भी नहीं खोलने दी जा रही है। हमसे कहा जा रहा है कि जो 2.5 लाख रूपये हैं वो वापस ले लो। वहीं पुलिस अधिकारी राकेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अमृतसर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अमृतसर की तस्वीरें हैं। एक मामला सामने आया है जिसकी छानबीन में पुलिस जुटी हुई है और थाना प्रमुख ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। ਉਹੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਬਦੋਬਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਉੱਥੇ। गुरु नानक देव और माता सुलखनी की 537वीं शादी की सालगिरह को लेकर के जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और अधिकारियों के साथ साथ धार्मिक संस्थानों के लोगों के साथ एक आपातकालीन बैठक की है जिसमें धार्मिक लोगों ने अपनी कई मांगे रखी हैं, जिसको लेकर के जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया कि गुरु नानक देव महाराज के विवाह के दौरान किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और साथ ही उपद्रव करने वालों पर भी पुलिस प्रशासन सख्ती बरतेगा। तो बटाला से खबर आपको बता रहे हैं, बटाला से यहां पर सुरक्षा को लेकर के इंतजाम किए गए हैं। दरअसल धार्मिक संस्थानों के लोग भी इसमें मौजूद रहेंगे। गुरु नानक देव की 537वां विवाह पर्व होने वाला है और इसी को लेकर के पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਟਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਬੁਲਾਏ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਵਨਵਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਬੇਸਿਕ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਹੋਣ, ਸਜਾਵਟ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸ੍ਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ IAS ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉਤਸਵ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿਖੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। और अमृतसर में ब्यास नदी में 4 युवक डूब गए। जानकारी के मुताबिक ब्यास नदी के मूर्ति विसर्जित करने के लिए जालंधर में करीब 50 लोग आए हुए थे और इसी बीच जब उक्त लोग मूर्ति विसर्जन कर रहे थे तो 3 उससे थोड़ा आगे निकल गए। नदी में नहाने के दौरान जब 3 युवक बहने लगे तो उन्हें बचाने के लिए दूसरा युवक आगे बढ़ा, लेकिन पानी के तेज बहाव में वो भी बह गया।
थाना प्रभारी ब्यास हरपाल सिंह ने मामले में बताया कि उन्हें चार युवकों के चिल्लाने की सूचना मिली थी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए ब्यास नदी के किनारे तैनात गोताखोरों के अलावा अन्य गोताखोर टीमों को मौके पर बुलाकर रवाना कर दिया गया है। अज ना कुछ आमी साढ़े तीन चार बजे की गल है जी, सानू सूचना प्राप्त हुई संगत इतने रात जी पुरातन तरीके दे नाल हर साल दी तरह खूब मूर्ति विसर्जन करने वास्ते आए ते मूर्ति विसर्जन करके ते विच उह जिहड़े सीगे मतलब नौजवान सीगे उह दरिया च वड़ गए। उह थोड़ा अगे नूं उह पाणी इत्थे थोड़ा वा, उह फिर मुरले पासे अगे जा के डूंघे पाणी चल गए ते उत्थे उह डुब गए। उह फिर सानू सूचना मिली जदों उहनां परिवार ने सानू दस्सिया, फिर असीं इत्थे आके ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਡੇ ਡੇਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਭੀ ਨੇ ਬੋਡੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ। और बटाला के निकट ऐतिहासिक कस्बे धनपुर में अपने पति के साथ मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गई नवविवाहिता की वैष्णो देवी में पहाड़ खिसकने से मौत हो गई। मामले की सूचना परिजनों को दी गई और परिजनों का अब मामले में रो रो कर बुरा हाल है। तो बटाला की ही खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक महिला वैष्णो देवी दर्शन के लिए गई थी लेकिन पहाड़ खिसकने से दुर्घटना हुई और महिला की मौत बताई जा रही है। अब परिजनों का मामले में रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल ये नवविवाहिता थी और दर्शन के लिए माता वैष्णो देवी के मंदिर गई थी। बताया जा रहा है कि वहां पर पहाड़ खिसकने की वजह से नवविवाहिता की उस पहाड़ में दबने से मौत हो गई, यानी जो भूस्खलन हुआ उस भूस्खलन के दौरान नवविवाहिता की मौत हो गई। अब परिवारजनों में कोहराम मचा हुआ है, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। तो बटाला की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक नवविवाहिता वैष्णो देवी गए ही, पहली बार घरों गए ही माता के दर्शन करने, आधिक बार तो थोड़ा थां गए ने मेहंदी ला के भेजा चेचा ही कुड़िया पहली बार तू माता ने जाना वा मेहंदी बुद्धि ला के शिंगार करके माता को लेकर धी आई है, माता ने ज्यादा दर्शन ही नहीं दिते, माता ने मंजूरी नहीं पाई हुई। धन्यवाद सुरेंद्र कुमार है जी, मेरे चाचा जी नू ही 28 अगस्त की मैरिज हुई है जी, अज एक महीना हो गया पूरा मैरिज का जी। पहली यात्रा वास्ते वैष्णो देवी माता से गए, कल तरीक नू गए, रात उथे गए, उन्होंने फोन किया अं सवेरे यात्रा करांगे। मेरे छोटे ब्रदर ने कहा कि तुसीं मतलब हुणे ही कर लो, कहिंदी नहीं भाजी आपां रात नू इत्थे रहिणा ते सवेरे ही यात्रा करांगे जी। सवेरे 2:30 बजे सानू फोन आ गया जी, इस तरह मैं भरा मेरे ने फोन किया, मैं कला रह गया जी इत्थे। और कीरतपुर साहिब में हुई भारी बारिश के बाद से भटोली और जीववाल मोहल्ले की आम गलियों में भारी मात्रा में बारिश का पानी भर गया है, जिसके कारण गली में खड़ी दो कारें साइफन में फंस गई। इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल भी यहां बह गई। साल बेहाल हुआ है। देखो ये साडे पिंड भटोली नाल जीववाल का साझा रस्ता है, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਮਦ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। 2:30 ਉੱਪਰ ਘਰ ਹੈ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਬਰਸਾਤ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਜੰਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹੜ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਸਾਈਫਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। अभी जी आप लाइव न्यूज देख रहे हैं, श्री कीर्तपुर साहब के नारायण फसल जी
कारण नाला ब्लॉक हो गया। घरों में भी पानी बढ़ चुका है, ये देखिए बरसाती नाले का पानी कैसी होती, जहाँ ये हाल बेहाल हुआ है। चंद घंटों की बारिश में हाल बेहाल कर दिया। पिछे पत्थर ला के आ गए, अकल पानी तेज है। और फिरोजपुर में चोरों ने एक दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर लगभग 2 लाख कैश, लैपटॉप और दुकान से सामान लेकर फरार हो गए थे। दुकानदार और पूर्व पार्षद ने बताया कि चोर डीवीआर भी अपने साथ ले गए। सीसीटीवी में एक कार नजर आ रही है और दुकानदार ने इंसाफ की गुहार लगाई है। तकरीबन मैं शनि मंदिर पाठ कर रहा थी ते मैनू किसी सज्जन ने जा आके दसा भी भोले का शटर टुटा पिया, ते मैं उस टाइम ही शनि मंदिर उठ के ते देखा, जो देखा ते शटर इन्हां दा टुटा पिया सी, ते मैं चुप दवा दवा फिर इन्हां दे घरे चला गया। इन्हां दे घरे जाके जाके भी इन्हां दी चोरी, इन्हां दी तुहाडा शटर टुटा पिया, ये मुड़के सारे जने आ गए। ते जाके असी जाके फिर मुड़के सारे जाके 7-8 जने जाके सीट ठाने गया, जाके पुलिस नूं दस्या, ते पुलिस भी कोई अद्धे घंटे बाद आ गई जी। असी तां सुत्ते पे सी घरे, साडे एमसी साहब हैगे सतीश कुमार जी, उस वेले साडे घरे आए, उन्होंने आके दस्या कि तुहाडे दुकान दे शटर टुटे पे ने, शीशा टुटा पिया, ते तुसी आओ तुहाडी चोरी होगी। असी उवें ही भज्जे आ, ते उदों आके देखिया शटर टुटा पिया, शीशा टुटा पिया, तो चोरी हुई जी। बट असी उदों अंदर नहीं वड़े, फिर असी पुलिस थाने गए, थाने जाके पुलिस वाले दस्या कि साडे चोरी हुई है, फिर वह आए उन्होंने नाल, असी अंदर वड़े, जो अभी अंदर आके वेखिया तो गला टुटा पिया, इतों माल सारा गैप हो गया, जोड़ा माल अपना पिया से गैप हो गया, कैश पिया 1.5-2 लाख रुपया। और जालंधर के लंबा पिंड चौक के नजदीक बनी नई हवेली 3 स्टार कॉलोनी से एक मामला सामने आया है। नई हवेली 3 स्टार कॉलोनी से मामला सामने आया है, जहां पर कॉलोनाइजर ने लोगों को सस्ते दामों में बने मकान को दिलवा दिए, लेकिन उनकी खस्ता हालत 1 साल से पहले ही शुरू हो गई। कॉलोनी निवासियों का कहना है कि कॉलोनाइजर ने जो कॉलोनी काटी है और उसके साथ ही जो प्रॉपर्टी डीलर ने हमें कोठी या मकान दिलवाया है, वो आए दिन खस्ता होते जा रहा है। दीवारों में दरारें आना शुरू हो गई है और इसी के साथ ही फर्श भी नीचे को धसकना शुरू हो गया है, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक इस मामले को लेकर कॉलोनाइजर हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है, इस बाबत पुलिस कमिश्नर को एक शिकायत भी दी गई है। ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਕੋਠੀ ਲਈ ਆ, ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, POP ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਗਏ ਵੀ ਲੋਕ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਟਾਈਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਪੈਪ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੈਪ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਆ, 4.5 ਮਰਲੇ ਆ। ਡੀਲਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਲਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕੰਮ ਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਠੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਡੀਲਰ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਫਰਸ਼ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਕੋਠੀ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਧਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੈਂਟਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵਾ, ਨੀਆਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਸਰ ਉਦੇ ਹੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਗਏ ਵੀ ਆ।
और नंगल से साढ़े कस्बे एमपी कोठी के पास तीन गाड़ियों की भयानक भिड़ंत हो गई। हालांकि इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं आई है। कैटर के ड्राइवर ने बताया कि कैटर आनंदपुर साहिब से नंगल की ओर आ रहा था और महिंद्रा पिकअप अचानक पीछे की ओर जा रही थी और कैंटर से टकरा गई। इस बड़े हादसे में सड़क सुरक्षा बल ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू कराया। तो नंगल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दुर्घटना यानी हादसे से जुड़ी हुई खबर है। तीन गाड़ियों की भिड़ंत बताई जा रही है और हादसे में हालांकि किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन तीनों गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है इस दुर्घटना में। इस घटना में बताया जा रहा है कि कैंटर था और एक ट्रक था और एक छोटा वाहन इसमें था। तीन गाड़ियों की भिड़ंत यहां पर हो गई। हालांकि किसी के घायल होने की और ऐसे क्षति की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन ये तस्वीरें तब की हैं जब घटनास्थल पर एक्सीडेंट के बाद जब भिड़ंत हुई थी उसके बाद की तस्वीरें हैं। जेसीबी मशीनों की मदद से क्षतिग्रस्त गाड़ियों को उठाया जा रहा है। जिहड़ा एक्सीडेंट है यह एमपी की कोठी के लागे होया है। ये तीन गड्डिया एक दूजी टकराइया है, एक कार है, एक पिकअप है, एक एक्सर कैंटर है। ये कोई जानी नुकसान कोई नहीं है, गड्डिया का नुकसान है। अभी मौके से आए हैं, गड्डिया साइड से करा दिया, ट्रैफिक चला था, रोड क्लियर हो गया। सामने वाला पिकअप वाला नींद में आ गया, मैं अपना तो बचाया, पीछे के हिस्से में टंकी पर मार दिया, गाड़ी बाहर से गई, बाएं चला गया हिस्सा। ये लड़ने के बाद कार वाला इधर भागा, इधर भाग गया। कैसे कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये नोएडा से आ गए यहाँ नागल आना। कहाँ जा रहे हैं? नागल। नागल नोएडा जिले के? चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, चोट नहीं। काफी नुकसान हुआ? हाँ नुकसान तो हुआ, पट्टा टूट गया, हिस्सा निकल गया। तीनों गाड़ियाँ? हाँ ये सब नुकसान हुआ, वो गाड़ी भी है, वो सब नुकसान हुआ, हमारा नुकसान। ये भैया गाड़ी वाला इस तरफ को दबा, उस तरफ गाड़ी थी, इस तरफ उसने दाब दी, हम सीधे चले आ रहे थे, उस गाड़ी वाले ने इस तरफ को। वो बोले कि आप ओवरटेक कर रहे थे? हम ओवरटेक कहाँ करेंगे, हम अपने साइड में थे, हमारी गाड़ी यहाँ से उस तरफ पट्टी में नहीं गई है गाड़ी। हाँ। कैमरा हो चाहे तो उसमें देख लो, ओवरटेक वही नहीं है गाड़ी। भैया इस गाड़ी वाले, आप ये गाड़ी वाले कसूर, हमने वो छोटे वाली गाड़ी उस तरफ देख ही नहीं पाई है, बड़ी गाड़ी थी। तो खबर पंजाब देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।